हेलो एवरीवन, आज हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाय एस्पिरेंट, हाउ आर यू? हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। डू जॉइन फास्ट सो दैट वी कैन स्टार्ट विद आवर सेशन। हम जो है अपना सेशन स्टार्ट करें। जस्ट वॉचिंग द कॉमेंट्स सो दैट द पीपल कुड ज्वाइन एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग आर सेशन। लेट पीपल ज्वाइन। इन टूडे सेशन वी विल बी कंटिन्यूइंग विद आर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। दिस मिनिस्ट्री वी वर कवरिंग, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस इटसेल्फ। हम जो है इसी से ही कंटिन्यू करेंगे एज वी हैड लेफ्ट अर्लियर, राइट? So in the previous videos we covered National Water Mission. This is what we covered, and Jal Jeevan Mission. These two important missions we covered in the previous video, in the previous live lecture. Previous live lecture में हमने ये दो cover किए थे. In today's class we are going to cover Namami Gange Program and Ganga Prahari. These are the two programs which we are going to cover in today's class. Okay, just let me write these two. So the topics which we are going to cover in today's class is the Namami Gange program okay Namami Gange program, this is the one which we will be covering, and the another one is the Ganga Prahari. Okay, these are the two programs which we are going to do. Hello Avasthi, good evening. Good evening all of you. So let's get started with today's class. Hum log jo hai start kar dete hain. In between people will be joining us. Theek hai? So the very first one which we are going to cover is the Namami Gange program. From the name itself you can understand that what it is actually trying to do. What is the aim of this program? So obviously it is actually concentrating on the Ganga river. Okay, इनका जो मेन कॉन्सेंट्रेशन है वो किस चीज के ऊपर है? दैट इज ऑन द गंगा, राइट? सो अंडर दिस नमामि गंगे प्रोग्राम दे आर टारगेटिंग, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द एम? कभी भी वेन एवर यू आर कवरिंग एनी ऑफ द स्कीम और वट एवर थिंग्स यू आर कवरिंग, यू आर एक्चुअली सपोज टू कवर द एम. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वट इज द एम, राइट? हेलो अंकित, हेलो दिशा, हाई. सो वट इज द एम? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो वेरी ऑब्वियस दिस इज द पॉइंट दैट दे आर एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द कंजर्वेशन ऑफ दिस गंगा. गंगा को रिजुविनेट करना, उसकी सफाई साफ सुथरे तरीके से रहे, दैट इज द एम ओवर हियर, राइट? सो इट इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन प्रोग्राम. वॉट इट एम्स टू? इट इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन प्रोग्राम okay, integrated conservation program, and it has been launched with the objectives kya hai? Integrated conservation program objective is the pollution, theek hai? So the main thing is the reduction of pollution in Ganga, right? So reduction of pollution. Now the another point is the conservation and rejuvenation, right? So this is the these are the points. So you need to understand these two things related to this thing. One is the रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन. वेरी इजी पॉइंट क्या है भाई? गंगा नदी को इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके क्यों दिया जा रहा है?
इतना ज्यादा जो है इसके ऊपर कंसंट्रेशन करने के पीछे के रीजन क्या है? बिकॉज गंगा रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए गंगा नदी नॉट ओनली फ्रॉम द रिवर पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम द रिलीजियस पर्सपेक्टिव हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, सो गंगा रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड गंगा रिवर का इश्यू क्या है? वन इज द पॉल्यूशन, एंड ऑब्वियसली अपार्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन अलॉट मेनी प्रॉब्लम इज एक्चुअली बींग फेस्ड. ठीक है, तो उसको इरेडिकेट करना, उसको रिड्यूस करना, एंड देन कंजर्वेशन एंड द रिजुविनेशन प्रोसेस हैज टू बी डन. ओके, हैज टू बी डन ऑफ द रिवर गंगा. दिस इज द एम. नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब यहां पे वंस यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द एम ओवर हियर, नेक्स्ट पॉइंट बिकम्स द कॉम्पोनेंट्स. व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स? इसके कौन कौन से जो है वो कॉम्पोनेंट्स है? ठीक है, अच्छा, आपका घर हाजीपुर के पास है, दैट्स रियली वेरी गुड. सो यू मस्ट बी सीइंग कि गंगा जो है वो कितनी साफ है या फिर कितना खराब हो रखी है. गंगा रिवर की पानी जो है वो कितना पोल्यूटेड हो रखा है. यू मस्ट हैव बीन एबल टू सी दैट. ठीक है, नाउ द कॉम्पोनेंट्स. सो कॉम्पोनेंट्स, द वेरी ऑब्वियस थिंग हियर इज द सीवरेज वाटर. ठीक है, सो जो सीवरेज वाटर है, ठीक है, तो सीवरेज के जो वाटर आते हैं, सो दैट नीड्स टू बी ट्रीटेड. सो वेस्टेज, ये जो गंदे पानी होते हैं उसकी ट्रीटमेंट नीड्स टू बी डन. सो बिफोर गेटिंग डम्प्ड इनटू द रिवर, जो भी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में से कहीं से भी गंदा पानी आ रहा है, इवन फ्रॉम द हाउसेज ऑल्सो, ऑल दोज थिंग्स बिफोर गेटिंग डम्प्ड इनटू द रिवर, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन दोज. ओके, जस्ट नॉट डम्प एनीथिंग. तो नाले में का कुछ भी जो गंदा चीज है वो वहीं पे ही चला जा रहा है. एवरीथिंग इज एक्चुअली बीइंग डम्प्ड इनटू द रिवर. दैट इज वन ऑफ द मेन प्राइम रीजन बिकॉज ऑफ विच द रिवर्स, और यू कैन से इवन द गंगा इज ऑल्सो गेटिंग पोल्यूटेड, राइट? सो दिस इज द वन, दिस इज द वन पॉइंट ओवर हियर. देन द नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट पॉइंट इज द, लेट मी डू दिस ऑल दीज गोलास सो दैट आई कैन राइट डाउन later on. ठीक है, सो दिस इज द वन. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग रिवर डेवलपमेंट फ्रंट. ओके, रिवर डेवलपमेंट फ्रंट. नेक्स्ट इज द रिवर सर्फेस क्लीनिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. River surface cleaning. What are the components of this particular program? So this is what we are doing, right? So river surface cleaning is the another one. Apart from that, the afforestation is also very much important nearby the river. River ke aas paas jo hai afforestation karna, right? So why? Because every then and now river ke aas paas jo hai wo flood hota hai. It actually crosses these areas, right? And its bank is actually gets destroyed, and all of these could be saved. Bank jo hai wo proper tarike se reh sakte, intact reh sakte, if the trees are actually being planted over there, right? So it could actually hold the soil of these particular areas, so those banks won't be destroyed, right? Destroy honge to obviously baat hai, the water will be going out, right? So those kind of things. So afforestation is very important for that particular purpose. Now the next one is the public awareness is also very much important, right? Public awareness is also very much important over here, because you people need to understand that this is not right to, you know, just dump anything over there in the river. That is not right. Even the dead bodies of the animals, the carcasses, you can say, those are also being dumped into the river, which is completely wrong. It is not a right thing to do. Okay, next is the industrial effluent monitoring. Okay, this is also one of the component, right? Now apart from this,
there is one more thing that is related to this particular program, and that is the village. ठीक है, विलेजेस आर एक्चुअली ऑल्सो बींग कॉन्सेंट्रेटेड ओवर हियर, सो दैट इज द गंगा ग्राम. क्या है? दैट इज द गंगा ग्राम ओवर हियर. ओके, गंगा ग्राम. नाउ हियर द नियर बाई विलेजेस आर एक्चुअली बींग इंक्लूडेड. जो नियर बाई विलेजेस है ना, उनको अपनी ऑम्बिट में लेकर के आ रहे हैं. राइट, नाउ व्हाट डू यू मीन बाई दिस नियर बाई रिलेजेस विलेजेस? सो दोज विलेजेस विच आर नियर बाई दिस पर्टिकुलर रिवर. सो विलेजेस नियर बाई रिवर, नियर बाई हियर, नियर बाई मीन्स नियर बाई वॉट? सो द रिवर. ओके, रिवर मीन्स विच रिवर? ऑब्वियसली द गंगा रिवर. सो एंड दोज पीपल फ्रॉम द नियर बाई विलेजेस आर एक्चुअली बींग ब्रॉट टूगेदर and they are being fed up with they are being fed with a lot many information that you are supposed to protect this particular river, which is very important from various aspects, from various aspects. Earlier also I told you this thing when we had actually started with this Ministry of Jal Shakti. During that, in that class only I told you, when it comes to the water, this is something which cannot be replaced with anything, be it the cold drink or any of the kind of drinks. Water is the one which you will need it. When you are feeling thirsty, you will be in dire need of water, not any other replacement. There is no replacement to water, right? So this is the reason why this particular one becomes really very important. Now let's move ahead with the next. I wish I also come to Delhi, but not affordable for me. Okay, no issues with that. Nowadays everything is available online, beta. Everything is available online. Okay, next is the Ganga Prahari. Okay, Ganga Prahari. So Prahari, what do you understand by this word Prahari? The one who is actually looking after the something, or you can say चौकीदार नहीं होते हैं, पहाड़ा दे रहे होते हैं. माई लैंग्वेज में कहते हैं पहाड़ा दे रहा है. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट मींस दैट कि वो पूरी रात जगा हुआ है और वो इस तरीके से घूम रहा है, एंड ही इज कीपिंग एन आई ऑन एवरीथिंग कि भाई कहीं पे किसी तरीके से चोरी ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए. ओके, समथिंग रॉन्ग डजंट हैपन. सो दिस गंगा प्रहरी इज ऑल्सो टारगेटिंग दैट थिंग ओनली, राइट? सो दे आर ऑल्सो टारगेटिंग दिस थिंग ओनली, राइट? नाउ व्हाट इज द एम? Aim is to motivate and train. What is the aim? What is the aim? So aim over here is to identify the people who are very much motivated. Okay, so identify people, right? Identify people who are motivated in the sense that you don't have to motivate them to clean Ganga. They can take care of that. They just need some kind of power, they just need some kind of awareness, that's it. They are self motivated kind of people, right? And to train volunteers. Okay, identify these people and train volunteers. उनको जो है आपको बस ट्रेन करने की जरूरत है. एंड दीज पीपल विल बी वर्किंग इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए दे विल बी वर्किंग, राइट? दिस इज द वन पॉइंट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, द क्लेनलीनेस ऑफ गंगा विल ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ. क्लेनलीनेस, cleanliness of Ganga will also be taken care of by these people. Okay, by these people. Not 100% satisfied. That we can't do. क्या कह सकते हैं? When it comes to the offline, definitely
the kind of कॉम्पिटिशन यू एक्चुअली फील वेन यू कम ऑन ऑफलाइन. जब आप ऑफलाइन क्लासेस आते हो दिस इज द थिंग विच एक्चुअली हैपन्स राइट. सो हियर द कम्युनिटी इज एक्चुअली बींग इन्वॉल्व राइट. नाउ वॉट आर द बेनिफिशियरीज, हु आर द बेनिफिशियरीज ओवर हियर, द सेम थिंग विच आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, हु विल बी द बेनिफिशियरीज. सो बेनिफिशियरीज विल बी दोज पीपल हु आर फ्रॉम द लोकल एरिया इटसेल्फ. ठीक है, तो जो कि वहीं पे ही लोकल एरिया से ही होंगे. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई, फर्स्ट ऑफ ऑल टू आइडेंटिफाई दीज पीपल, जिनको कि अभी हमने जस्ट देखा, यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज पीपल हु आर वेरी मच रिलक्टेंट, नॉट रिलक्टेंट बट हु आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट गंगा रिवर. गंगा रिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक है. ठीक है, टू प्रोटेक्ट गंगा रिवर दे आर वेरी मच एंथुजियास्टिक टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर. नाउ व्हेन इट कम्स टू दी पीपल हु आर अबव 18 इयर्स, ठीक है, तो जो लोग अबव 18 इयर्स हैं राइट, द पीपल हु आर अबव 18 इयर्स दे विल बी वर्किंग एज द गंगा प्रहरी. ठीक है, तो जो वो लोग जो हैं गंगा प्रहरी के तौर पर काम करेंगे. नाउ दोज पीपल हु आर बिलो 18 इयर्स, ठीक है, यहाँ पे तो अबव हो गए, ठीक है, बिलो 18 इयर्स हु विल बी दीज पीपल, दीज विल बी दी बाल गंगा प्रहरी, क्योंकि ये बच्चे हैं, सो दैट इज द रीजन वाई बाल गंगा प्रहरी नेम हैज बीन असाइंड राइट. दीज पीपल हु आर बिलो 18 इयर्स, राइट, those people who are below 18 years, these are the ones who will be called as the Bal Ganga Prahari over here, right? So these are the ones, these people who are above 18 years, these are the people who are called as the Ganga Prahari, and these are the ones who are actually being preferred in order to look after the riverside areas wherein no pollution is actually being dumped, no polluted things are actually being dumped over there. Okay, तो इनका ये काम रहता है. अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होती है, लेट्स नाउ टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. सो हाउ द इम्प्लीमेंटेशन इज एक्चुअली बीइंग डन, हाउ द इम्प्लीमेंटेशन इज एक्चुअली बीइंग डन. सो इम्प्लीमेंटेशन इज बीइंग डन बाय द वाइल्ड लाइफ, बाई द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विच इज देयर इन देहरादून. ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दिस इज द वन राइट विच इज देयर इन देहरादून. एंड नाउ दिस इज एक्चुअली वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ गंगा रिजुविनेशन प्रोजेक्ट. ठीक है, विच वर्क अंडर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ, अंडर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ गंगा रिजुविनेशन प्रोग्राम. ओके, इट इज एक्चुअली गंगा रिजुविनेशन प्रोग्राम, इट इज एक्चुअली वर्किंग अंडर दिस ओनली, इसी के अंतर्गत जो है ये एक्चुअली में काम कर रहे हैं. एंड दिस एक्चुअली फॉल्स अंडर द नमामि गंगे प्रोग्राम ऑल ओवर अगेन. ठीक है, तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इट इज वर्क, दिस फॉल्स अंडर दिस थिंग विच फॉल्स अंडर द नमामि गंगे प्रोग्राम राइट, नमामि गंगे प्रोग्राम. सो दिस इज इट रिलेटेड टू दीज टू प्रोग्राम्स. जस्ट लेट मी रिवाइज all these for you. So in today's class we were actually covering Namami Gange program and Ganga Prahari. Under this Namami Gange program, what is the aim? Aim is to
have the integrated conservation program. And what is the objective? Objective is to reduce the pollution and the conservation and rejuvenation of the Ganga River. What are the components? Components are the sewerage, water treatment. This is supposed to be done before dumping anything over there into the Ganga, creating river development front. Then river surface cleaning. River surface cleaning is very much important. Afforestation is important. Public awareness, because the public is needs to be involved over there. Community ka jo involvement hai wo bahut zyada zaruri hai for this thing. Industrial effluent monitoring is important. Ganga Gram. Now under this only there is Ganga Gram, where in the nearby villages, who are nearby this particular river, that is the Ganga River, nearby Ganga River or the tributaries of that, those villages are actually being involved over here to protect the river Ganga. Next is the Ganga Prahari. What is the aim? To identify those people who are motivated and train those volunteers in order to protect the biodiversity. They will be working in order to protect the biodiversity and for the cleanliness of the Ganga. Apart from that, when it comes to the beneficiaries, these people will be identified to protect Ganga. And under this, above 18 years people will be called as the Ganga Prahari. Below 18 years people will be called as the Abal Ganga Prahari. And these Ganga Prahari are the one who will be working riverside, right? Implementation is supposed to be done by the Wildlife Institute of India, which is there in Dehradun. And it falls under the aegis of Biodiversity Conservation of Ganga Rejuvenation, which further falls under the Namami Gange program. Okay, so this was it related to this particular class of Ministry of Jal Shakti. In the next class, we will be covering the another topic. I hope you people enjoy. Right, so do not forget to check out the other videos over there on our channel as well. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Jai Hind.